के साथ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संतोष कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि मौलिक अधिकार पार्टी वर्तमान समय में सरकार के खिलाफ धरना दे रही है। संतोष ने कहा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा की थी अपने वादे पर आज तक खरी नहीं उतर पाई है। इसी को लेकर मौलिक अधिकार पार्टी उनको चेताने का कार्य कर रही है। आज जो महंगाई है जो कि अपने चरम सीमा पर है उसे बहुत जल्द से जल्द कम किया जाए। मौलिक अधिकार पार्टी वर्तमान समय सरकार के खिलाफ धरना दे रही है। जो महंगाई आज चरम सीमा पर है, जिसने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज अपने वादे पे खरे नहीं उतर रही है। इसलिए मौलिक अधिकार पार्टी उनको चेतावने का काम कर रही है और जो महंगाई आज चरम सीमा पर उसको कम करे, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और मेन मुद्दा हम लोगों का है जो भारतीय संविधान में जो मौलिक पदत्त चीजें हैं वो वोटरशिप की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज हम लोग वोटरशिप के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल को माननीय DM महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने का काम। सच के साथ।